हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड ट्रक्स पे। वेल, ये नाम बहुत ही स्पेशल है बिकॉज शायद मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ 7 सालों से। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्पेशल है एंड बहुत सारे लोगों के लिए इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कंसर्न है, पॉइंट ऑफ टॉपिक है बात करने के लिए। फूड ट्रक। चलिए आप फूड ट्रक कर लेते हैं, चल भाई फूड ट्रक करते हैं। आई मीन दैट इज इट, यू नो, दैट्स द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। इट्स बीन इन टू द वर्ल्ड फॉर एजेस। हम चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने यहाँ पे बात करें, कहीं पे बात करें, लोग पहले बुग्गी में लेके आते थे या बुलक कार्ट में लेके आते थे एंड दे यूज्ड टू गो टू द सिटीज एंड दे यूज्ड टू सेल इट एंड देन दे यूज्ड टू कम बैक टू देयर विलेजेस। दैट्स हाउ इट वाज एंड दैट इज हाउ इट इज। आई मीन amazing, now they changed it, they modified it into a trucks and your design hai, plan hai, according to your need, according to your menu. The best thing is that hum apne hisab se apni ek kaam ko hum log start kar sakte hain aur apne hisab se jo most important thing in the world hai, that is a food, hum kahin na kahin logo ko se connect kar sakte hain. मेरे पास कुछ अच्छा है, मेरे को पता है मैं कबाब्स बहुत अच्छे बना सकता हूँ, द पीपल जस्ट लव टू सेल इट, द फीलिंग ऑफ यू नो एडमिरेशन आई गेस। या सर आपका खाना बहुत अच्छा है, ये जो फीलिंग है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है लोग ढाई ढाई तीन तीन लाख की नौकरी छोड़ के इस फीलिंग को अचीव करना चाहते हैं कि एक बार बेच के देखते हैं क्या होता है, बेच के करते हैं क्या होता है। They don't need it. I don't know. Maybe they need it or not. Or they are just doing it for the fun. Or they are just fed up. एक अपनी corporate life से निकलना चाहते हैं. And they just wanted to do it and feel it. I guess that want. पता नहीं कितने लोगों से मैंने बात करी होगी. मेरे को platforms मत पूछिएगा क्योंकि मेरे को नहीं पता कितने platform हैं. या कितने platform मैंने achieve करे होंगे. चाहे वो Quora हो, YouTube हो, OLX हो, XYZ. फेसबुक, मतलब मैं नहीं काउंट कर सकता। आई मीन पीपल वॉन्टेड टू डू इट, दे जस्ट कॉल मी कि आप मेरे को गाइड कर दो एंड आई लव टू गाइड देम, आई लव टू टेल देम कि दिस इज द थिंग, क्या मेन्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आई रियली लव टू टेल देम बिकॉज आई हैव अचीव दैट थिंग इन लास्ट 7 ईयर, दैट लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं, लोगों को क्या लोगों की चीज़ें अच्छी रहती हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए। आई थिंक कुछ उसकी नॉलेज मैंने थोड़ी बहुत उन लोगों से, बहुत सारी नहीं करी है और थोड़ी बहुत सही में अर्गेन कर ली है। तो आज जब कोई फ़ोन करता है तो बड़ा अच्छा लगता है और पूछते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है कि यार एटलीस्ट मैं अपनी नॉलेज जो है उन लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। वेल, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम चाहें US चले जाएँ, UK चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है उन लोगों के लिए, पुराना हमारे लिए भी है। पर हम लोग जैसे चार टायर के ठेले पे चलते हैं, शायद उन्होंने इस चीज़ को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया या उनकी गवर्नमेंट ने उसको मोबिलाइज़ कर दिया लोगों के हिसाब से, जहाँ पे उन्हें लोन्स मिलने शुरू हो गए, उनकी वेलफेयर सोसाइटीज़ हो गई, फूड ट्रक पार्क्स बन गए। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इंडिया में आज भी कुछ नहीं हुआ। आई मीन इट कैन बी अ बूम टू द इकोनॉमी, इट कैन बी बूम टू द जॉब्स, इट कैन बी बूम टू द एंटरप्रेन्योरशिप, बट are we lacking? I mean, why are we lacking in this? हम शायद अगर एक बार उन्होंने इधर भी देखा हो तो ये बहुत ही एक पैशनेट बिजनेस है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट कर देता है एंड द मीडियम इज़ अ फूड। एंड जब लोग अपने पैशन को अपना बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो दे अचीव द माइल्स एंड दैट इज़ हाउ इट इज़, पीपल हैव डन इट, यू नो, हम लोगों का कितने एग्जांपल हैं एंड इट इज़ राइट नाउ विद द फूड ट्रक आल्सो, पीपल वांट टू डू इट। बट इन इंडिया व्हाट वी मिस इज़ द लाइसेंसिंग, देर इज़ नो लाइसेंसिंग, देर इज़ नो रूल्स। आई मीन माई लव फॉर द फूड इज़ ओके बट समवेयर आई हैव टू अर्न ऑल्सो, आई हैव टू मेक अ मनी ऑल्सो। Should there be no rules? There not be no standard? Ki what are the hygienic standard? Yeah, what are the fire safety system has to be installed onto the truck? Is it important? It is very important. And agar government is pe thoda sa capitalize kar legi na, to it can come out to be very very good thing. Every city should have a food truck.
parks, and they should have a welfare society. They should get the loans to start the food truck. They should get all the support from the government that can push them to start one big thing, and that is a food truck. बहुत सारे लोग को पूछना रहता है कि फूड ट्रक से रिलेटेड क्या, एंड दिस इज़ व्हाट द फूड ट्रक इज़. इंडिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. प्लीज़ प्लीज़ गेट इट इन योर हार्ट, गेट इट इन योर माइंड एंड डू द ट्रक. एंड ट्रस्ट मी, वन डे इट विल बी. आज नहीं है, कल नहीं है, पर परसों होगा. एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ जो मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये वीडियो उसका एक इंट्रो था, पर ये इंट्रो से पूरी वीडियो में ही कन्वर्ट हो गया है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. बट नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर. बिकॉज 7 साल में मैंने पहली बारी कहीं पे ये चीज़ लिख के पढ़ी है, इसीलिए मैं 100% श्योर हूँ कि ये अब पॉसिबल है. कहीं से इनिशिएटिव लिया गया है कि फूड ट्रक ओनर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, उन्हें परमिट्स दिए जाएंगे फूड ट्रक ऑपरेट करने के लिए. एंड मेरी ये नेक्स्ट वीडियो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के पे होने वाली है. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल. थैंक यू.